जंगल ओनली वर्ल्ड का नाम तो तुम लोगों ने सुना ही होगा। हाँ, ये वही वर्ल्ड है जहाँ पे बहुत ही बड़े और घने घने पेड़ होने की वजह से नीचे की साइड बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। और इस वर्ल्ड में भैया दिन हो या रात कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यहाँ पे दिन में भी मॉब स्पॉन होते रहते हैं। तो आज मुझे इस वर्ल्ड में 100 डे सर्वाइव करना है, साथ में मेरे पास 3 टारगेट भी होने वाले हैं। पहले तो अपने लिए फुल्ली इंचेंटेड नेदराइट का आर्मर बनाना, अपने सारे के सारे ब्लेजर्स के रहने के लिए एक बढ़िया सा ट्रेडिंग हॉल बनाना, एंड में जाने के बाद हमें उस काले कौवे को बहुत ही खतरनाक तरीके से मारना है। अपने रहने के लिए मुझे एक खूबसूरत सा घर बनाना है, और सबसे लास्ट में भैया मुझे इस 3 सर वाले प्राणी को मार के एक मैक्स आउट बीकन भी बनाना है। चलो, तो पहले दिन भैया मैं आसमान से गिरा और सीधा एक बहुत ही लंबे पेड़ में आके अटक गया। लेकिन यार नीचे जाने से पहले तुम लोग को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हम सबके 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसी बात पे थोड़ा सा डांस तो बनता है। चलो अब बहुत हो गया मजाक। तो स्पॉन होने के बाद भैया सबसे पहले मैं जाता हूँ पेड़ काटने, लकड़ियां तोड़ने के बाद यहाँ से मैं जल्दी से एक वुडन का पिकैक्स बना लेता हूँ और फिर सीधा चला जाता हूँ स्टोन माइन करने। लेकिन तभी भैया मुझे दिख जाता है मेरे प्रजाति के लोग, अरे मतलब सुअर। फिर इस सुअर का मैं बैंड बजा देता हूँ एंड उसके बाद मुझे 2 भेड़ दिख जाते हैं, इसलिए मुझे यहाँ से एक वुडन का एक्स बनाना पड़ा। देन उसके बाद मैं इन दोनों को मार देता हूँ। फिर थोड़ा सा आगे चलने के बाद मुझे यहाँ पे एक छोटा सा केव दिख जाता है जहाँ से मुझे ढेर सारे स्टोन मिलने वाले थे। स्टोन माइन करते करते भाई मुझे ढेर सारे कोल भी मिल रहे थे जिसको मैं माइन कर लेता हूँ। तो स्टोन माइन करने के बाद मैं फटाफट से अपने स्टोन का टूल्स बनाता हूँ, साथ में एक फर्नेस भी बना लिया। देन उसके बाद मुझे मिल जाते हैं ढेर सारे वाटरमेलन, एंड जंगल ओनली वर्ल्ड का भाई बात ही कुछ अलग है, यहाँ पे भाई हम लोग भूखे नहीं मर सकते कम से कम। फिर ये सारे सामान लेके मैं आगे जा ही रहा था तभी भाई मुझे दिख जाता है एक जंगल टेम्पल। मतलब भाई क्या बताऊँ, यहाँ पे डायमंड्स मिल सकते हैं, इसलिए मैं भागते हुए आ जाता हूँ टेम्पल के अंदर। एंड यहाँ पे होता है एक सीक्रेट चेस्ट जिसमें से भाई मुझे 30 सामान मिला। पर चलो कोई ना, यहाँ पे दूसरा चेस्ट भी होता है। एंड यहाँ पे गाइस मुझे बहुत ही अच्छा चीज मिला जो कि था आयरन। फिर यार ये सारे सामान लेके मैं और आगे की साइड जाने का सोचा, लेकिन तभी मैंने देखा भाई अभी तो रात होने वाला है, और भैया अगर हम लोग ऐसे ही रात को भटकते रहे ना जंगल में, फिर तो पता नहीं कौन सा मॉब आके पेल के चला जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा एक काम करते हैं, हम लोग रात को यहीं पे रुक जाते हैं। फिर यार मेरे पास जो आयरन पड़े थे उसका मैंने एक पिकैक्स बनाया, साथ में मैंने एक शील्ड भी बना लिया। तो अब भैया रात को सोने के लिए मेरे पास बेड तो था नहीं, इसलिए मैंने क्या किया, आराम से कैंप फायर लगाया एंड उस रात को भाई ऐसे ही कटा दिया। देन जैसे ही सुबह हो जाती है वैसे ही मैं निकल जाता हूँ अपने लिए एक बेस ढूंढने, जहाँ पे भाई मैं आगे चल के अपना घर बना सकूँ। लेकिन भैया मुझे अपना बेस तो नहीं मिलता, ऊपर से भाई एक स्केलेटन मिल जाता है। और मैंने तुम लोग को पहले ही बता दिया था कि भाई इस वर्ल्ड में दिन रात मॉब स्पॉन होते रहता है, लेकिन यार इसको मैं जैसे तैसे करके मार देता हूँ। और अभी गाइस मुझे जल्दी से एक केव में जाना पड़ेगा ताकि भाई वहाँ से मुझे आयरन मिल सके, एंड उससे हम लोग को बनाना पड़ेगा जल्दी से अपने लिए आयरन का आर्मर, नहीं तो भाई इस वर्ल्ड में पता नहीं हम लोग कब ऊपर वाले के पास चले जाएंगे। तो थोड़ा बहुत इधर उधर भटकने के बाद मुझे एक केव दिख जाता है जो कि भाई देखने में बहुत ज्यादा बड़ा था। तो बिना डरे मैं आ जाता हूँ केव के अंदर, एंड यहाँ पे आने के बाद मैं फटाफट से अपने काम में लग जाता हूँ। तो भैया आयरन माइन करते करते मैं आ गया था केव के बहुत ज्यादा अंदर, एंड भाई इधर बहुत सारे मॉब स्पॉन हो रहे थे, इसलिए मैंने सारा का सारा सामान लिया और यहाँ से भाग लिया। देन बाहर आके भाई मुझे पता चलता है कि भाई फिर से रात हुआ पड़ा है, मतलब भाई फिर से भागना पड़ेगा। देन उसके बाद गाइस मैं भागते भागते एक लावा पुल के पास पहुंच गया, जहाँ पे भाई मुझे मॉब तो नहीं दिख रहे थे, इसलिए मैंने सोचा एक काम करते हैं, हम लोग अपना बेस यहाँ पे ही बनाते हैं। साथ में मैंने एक तोते को भी अपना दोस्त बना लिया, और उसके बाद भाई ये मेरे कंधे में आके बैठ जाता है। चलो तुम लोग एक सेल्फी ले लो इसी बात पे। लेकिन पता नहीं यार इसी बीच आ जाता है जंगल में बारिश, एंड तुम लोग एक बार मौसम देखो भाई कितना खतरनाक लग रहा है, और ऊपर से भैया अभी रात भी होने वाली थी एंड मैं नहीं चाहता था कि भाई इस रात हमारी मौत हो जाए, इसलिए जैसे ही रात होने वाली थी वैसे ही मैंने बहुत सारे टॉर्चेस लगा दिए, साथ में मैंने बहुत सारी मिट्टी के साथ साथ बहुत सारी वुड भी इकट्ठा कर लिए। देन जैसे ही सुबह हो जाती है वैसे ही मैं जल्दी से एक छोटा मोटा बेस बनाने लग जाता हूँ, वो भी ऊपर की साइड। तो कुछ टाइम के बाद अपना बेस भी बन जाता है, एंड अभी देखा जाए तो हम लोग को मॉब से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग नीचे तो है नहीं, हम लोग ऊपर की साइड है, एंड आगे जो हम लोग घर बनाने वाले हैं वो भी ऊपर की साइड ही बनाएंगे। वैसे मैंने जानबूझ के अपने दोस्त को मार दिया, क्योंकि भाई ये बिल्ड करते टाइम बहुत ज्यादा मुझे परेशान कर रहा था। देन उसके बाद यार मेरे पास बहुत सारा सामान आ चुका था, इसलिए मैंने जल्दी से बहुत सारे चेस्ट यहाँ पे लगा दिए ताकि मैं अपना सारा सामान यहाँ पे रख सकूँ। देन साथ में मैंने अपने सारे के सारे आयरन को भी स्मेल्ट होने के लिए रख दिया। काफी देर के बाद जैसे अपना सारे आयरन स्मेल्ट हो जाते हैं वैसे
है मैं बना लेता हूँ अपने लिए फुल्ली आयरन का आर्मर। तो ये लो भैया, अब सच बताऊँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि भाई अब अपने पास फुल्ली आयरन का आर्मर आ चुका था, अब तो भाई किसी मॉब से डरने की जरूरत नहीं थी। देन उसके बाद यार मेरा प्लेटफॉर्म आधा ही कम्प्लीट हुआ था, इसलिए मैंने साइड साइड वाले पेड़ काट के अपना प्लेटफॉर्म को पूरा कम्प्लीट कर दिया। तो पूरा प्लेटफॉर्म बन जाने के बाद मेरे पास जितने भी सामान थे उसको मैंने चेस्ट में रख दिया। लेकिन यार यहाँ पे एक दिक्कत हो जाती है क्योंकि एक बार तुम लोग सामने देखो, रात होने वाली थी एंड भाई अभी भी मेरे पास बेड नहीं है सोने के लिए, और यार बेड बनाने के लिए अभी भी मेरे पास एक ऊल की कमी हो रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा एक काम करते हैं, जब तक रात होता है तब तक हम लोग जल्दी से एक भेड़ ढूंढ लेते हैं ताकि उसको मार के हमें ऊल मिल सकता है। तो यही सोच के भैया मैं सीधा निकल जाता हूँ भेड़ के तलाश में। लेकिन यार काफी टाइम ढूंढने के बाद मुझे भेड़ तो नहीं मिलता है, ऊपर से एक गाय मिल जाता है। लेकिन यार इसका अभी के लिए कुछ काम तो था नहीं, इसलिए मैं थोड़ा और आगे गया और यहाँ पे मुझे एक सुअर दिख जाता है। अबे यार जिसका काम था वो तो मिल ही नहीं रहा। तो काफी टाइम ढूंढने के बाद फाइनली मुझे भेड़ तो नहीं मिला, लेकिन यार मुझे खाली हाथ अपने घर लौटना पड़ा क्योंकि भैया अभी हो चुका था रात, और रात को मुझे जंगल के बीचों बीच जाके मरना नहीं था, इसलिए मैं दोबारा से अपने घर आ जाता हूँ। तो घर आने के बाद मैंने सोचा एक काम करते हैं, हम लोग आराम से बैठ के इस रात को कटा देते हैं। पर भाई ऐसा कहाँ हुआ। तो जैसे तैसे करके उस रात को मैंने कटा लिया, और जैसे ही सुबह हो जाती है वैसे ही भाई मैंने बहुत सारे एक्स बना लिए क्योंकि मुझे अभी काटना है बहुत सारे पेड़। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक मुझे पता चला है कि जंगल ओनली वर्ल्ड में भेड़ मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन यार मुझे तो शुरुआत में ही भेड़ मिल चुका था। चलो छोड़ो, सबसे पहले तुम लोग मेरा प्लान सुनो। तो मेरा प्लान ये था कि मैं एक एक्सपी फार्म बना लूं ताकि भाई वहां से हम लोग को बहुत सारा खाना मिल सके, जैसे कि आलू गाजर, और साथ में वहां पे मकड़ी भी स्पॉन होता है जिसको मारने पे हम लोग आराम से बेड बना सकते थे। तो इसलिए गाइस मैं चला जाता हूं सीधा बहुत सारा पेड़ काटने क्योंकि एक्सपी फार्म बनाने के लिए मुझे बहुत सारा वुड की जरूरत पड़ने वाली थी। तो ये लो, काफी टाइम तक मजदूरी करने के बाद अब मेरे पास कुछ इतने सारे लकड़ियां आ चुका था, फिर मैं जल्दी से लग जाता हूं एक्सपी फार्म के ऊपर काम करने। तो फाइनली यार अपना एक्सपी फार्म बन के रेडी नहीं हुआ था क्योंकि भाई काम करते करते बीच में ये लोग आ गए टांगड़ा ने। लेकिन जैसे तैसे करके मैं इन लोगों को तो मार देता हूँ, पर यार मुझे पता चलता है कि मेरे पास तो पानी ही नहीं है। वैसे पानी छोड़ो, मेरे पास कोई आयरन ही नहीं है जिससे मैं वाटर बकेट बना सकूं, इसलिए मैं सीधा निकल लेता हूँ एक केव के तलाश में जहाँ से मुझे बहुत सारे आयरन मिल सके। केव में आने के बाद गाइस मुझे काफी सारा आयरन मिला, लेकिन साथ में मुझे एक माइन शाफ्ट भी दिख जाता है, और मेरे सामने एक चेस्ट भी था जिसमें से एक गोल्डन एप्पल मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि भाई यहाँ से मुझे बहुत सारे स्ट्रिंग मिल गए, भाई इसकी मदद से मैं बेड बना सकता था। बहुत सारा स्ट्रिंग इकट्ठा करने के बाद भाई सामने की साइड मुझे एक चमकता हुआ पत्थर भी मिलता है, लेकिन आज तक मुझे ये पता नहीं चला कि इसका काम क्या है। फिर गाइज मैं पहुंच गया था भाई ये नीले वाले मकड़ियों के गुफा में, और यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग तो मिल रहे थे, लेकिन भाई देखो सालों ने मुझे डरा दिया यहाँ पे। तो अब गाइस मेरे पास आ चुके थे बहुत सारे सामान, तो इसको लेके मैं अपने घर जा ही रहा था, लेकिन भाई रास्ते में मुझे दिख जाता एक रूइंग पोर्टल, और यहाँ पे एक गोल्ड का ब्लॉक था जिसको मैं माइन कर लेता हूँ। साथ में चेस्ट में मुझे उतने खास सामान मिले नहीं। देन उसके बाद गाइस मेरे सामने ही भाई मुझे मिल जाते हैं भेड़। नहीं 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 नहीं, एक काम करो तुम लोग ही बताओ भाई इसके साथ क्या किया जाए। भाई साले के चक्कर में पता नहीं मैं कहाँ कहाँ जाके भटका। फिर गाइस ये सारे सामान लेके मैं अपने घर आ जाता हूँ। घर आने के बाद सबसे पहले मैंने अपने सारे सामान को चेस्ट में रखा, और फिर आयरन स्मेल्ट करके मैंने जल्दी से एक आयरन का पिकेक्स बना लिया, साथ में मैंने एक वाटर बकेट भी बना लिया। देन पानी लेने के लिए मुझे नदी किनारे जाना पड़ा, लेकिन यार नदी से वापस आते आते भाई रात हो जाती है। लेकिन तुम लोग इस बार टेंशन मत लो क्योंकि मेरे पास वूल तो पहले से ही था, इसलिए मैंने जल्दी से एक बेड बना लिया। और फिर यार मैं क्या बताऊँ, उस रात को जो मैं चैन की नींद सोता हूँ ना, मत पूछो तुम लोग। फिर सुबह हो जाने के बाद पानी का मैंने अनलिमिटेड वाटर सोर्स कैसे बनाया वो तो सबको पता है। और फिर एक्सपी फार्म बनाने के लिए भाई मेरे पास लकड़ी भी नहीं था, इसलिए मुझे जंगल में जाके फिर से लकड़ी तोड़ना पड़ा। देन सब कुछ सामान रेडी करने के बाद एक्सपी फार्म में जो बचा कुचा काम पड़ा था उसको मैंने कम्प्लीट कर दिया। तो फाइनली यार कुछ टाइम के बाद अपना एक्सपी फार्म बन के बिल्कुल कम्प्लीट हो जाता है। लेकिन तुम लोग नीचे की साइड देख सकते हो मैंने कितने सारे टॉर्चेस लगा दिए हैं ताकि भैया जो मॉब्स है वो सिर्फ एक्सपी फार्म के ऊपर ही स्पॉन हो और कहीं पे स्पॉन ना हो। वैसे एक्सपी फार्म देखा जाए तो ये उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा था जितना मैंने सोचा था, पर चलो कोई ना, इतने मॉब से तो भाई काम चल सकता है अपना। देन उसके बाद गाइस दिन में उतने सारे ज़ॉम्बी स्पॉन तो हो नहीं रहा था, इसलिए मैंने सोचा एक काम करते हैं रात होने का वेट करते हैं। और जैसे ही भैया रात हो जाती है वैसे ही काफी सारा ज़ॉम्बी यहाँ पे स्पॉन होना चालू हो गया था, और वैसे भी अब मेरे पास करने के लिए ज्यादा कुछ काम तो था नहीं, इसलिए मैंने उस रात को सिर्फ ज़ॉम्बी को ही मारा।
तो फाइनली यार पूरी रात जोम्बी को मारने के बाद तुम लोग देख सकते हो मेरे पास आ चुका था काफी सारा सामान, लेकिन जो सबसे काम का चीज था वो था आलू और साथ में गाजर भी मिल चुका था यहाँ से। और वैसे भी यार कब से भाई ये जोम्बी का सड़ा हुआ मांस खा के भाई मैं परेशान हो चुका था, पर चलो कोई ना, अब हमारे पास खाने के लिए आलू के साथ साथ गाजर भी है। लेकिन ऐसे नहीं, पहले हम लोग को एक खेत बनाना पड़ेगा, इसलिए मेरे पास जितने भी मिट्टी थे उसको मैंने इकट्ठा करा, लेकिन मेरे पास उतने सारे मिट्टी तो है ही नहीं जिससे मैं एक खेत बना सकूं। तो जल्दी से मैं शावल लेके चला जाता हूँ नीचे मिट्टी इकट्ठा करने। तो काफी टाइम तक मजदूरी करने के बाद तुम लोग देख सकते हो मेरे पास आ चुका था काफी सारा मिट्टी। तो देख क्या रहे हो, बिना देरी किए भाई मैं जल्दी से खेत बनाने लग जाता हूँ। बन जाने के बाद भैया मैंने बोन मील की हेल्प से बहुत सारे गाजर उगा लिए एंड साथ में उसको खेत में भी प्लांट कर देता हूँ, और साथ में थोड़े बहुत आलू मैंने पका भी दिया। तो अब देखा जाए गाइस, तो मेरा खाने पीने का समस्या तो भैया दूर हो चुका था, तो इसलिए अब मुझे जाना पड़ेगा डायमंड माइनिंग के लिए। तो जल्दी से मैंने बहुत सारे पिकेक्स बना लिया और फिर मैं सीधा निकल लेता हूँ एक बढ़िया से केव में जहाँ से मुझे बहुत सारे डायमंड्स मिल सकते हैं। तो कुछ टाइम के बाद भैया मैं उसी वाले केव में आ जाता हूँ जो हम लोग पहले भी यहाँ पे आ चुके थे। यहाँ पे आने के बाद मुझे दिख जाते हैं ढेर सारे गोल्ड जिसको मैं माइन करने लग जाता हूँ, क्योंकि आगे चल के मुझे पिगलिन के साथ ट्रेड भी करना है। और फिर थोड़ा नीचे आने के बाद भाई फाइनली मुझे यहाँ से पहला डायमंड मिल जाता है, यार इस वर्ल्ड का मतलब पहला डायमंड। लेकिन यार एक डायमंड तो मुझे बहुत जल्दी मिल गया, पर भाई मैं बहुत टाइम तक ढूंढा लेकिन भाई मुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिला यहाँ से। तो इसलिए भैया ना चाहते हुए भी मुझे स्ट्रीप माइन करना पड़ेगा। तो चलो अब करते हैं भाई चारों तरफ खुदाई। भाई साहब काफी टाइम मजदूरी करने के बाद भाई मैंने चारों तरफ बस गुफा ही गुफा कर दिया था, लेकिन भाई तुम लोग देख सकते हो मेरे पास कुछ इतने सारे डायमंड्स आ चुके थे। तो इसको लेके मैं बिना देरी किए भाई अपने घर पहुंच जाता हूँ। घर आने के बाद जल्दी से मैंने अपने सारे सामान को चेस्ट में रखा, उसके बाद मैं लग जाता हूँ अपने डायमंड के आर्मर के साथ साथ टूल्स बनाने। तो ये लो अब मेरे पास आ चुका था फुल्ली डायमंड के आर्मर के साथ साथ टूल्स भी, इसका मतलब मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। तो इसलिए अब मेरे मन में ख्याल आने लगा कि एक काम करते हैं, अब हम लोग चलते हैं नेदर। और वैसे भी यार अब मेरे पास सब कुछ सामान भी था। उसके बाद मेरे पास जो गोल्ड थे उसको मैंने स्मेल्ट होने के लिए रख दिया एंड मैं चला जाता हूँ सीधे ऑब्सिडियंस माइन करने। लेकिन भैया जाते जाते पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ पे था और मैं सीधा आके नीचे, अरे छोड़ो वो थोड़ा मैं ऊपर देख के चल रहा था ना इसलिए थोड़ा पैर फिसल गया। देन उसके बाद मेरे घर के सामने वो जो लावा पूल था उसमें मैंने पानी डाल दिया एंड भाई जल्दी से लग जाता हूँ ढेर सारा ऑब्सिडियंस कलेक्ट करने। भाई साहब ऑब्सिडियंस माइन करते करते तो भाई रात हो चुका था, मुझे पता ही नहीं चला। फिर जैसी सुबह हो जाती है वैसी मैं लग जाता हूँ एक नेदर पोर्टल बनाने, लेकिन अभी के लिए कोई दूसरा जगह तो मुझे दिखा नहीं इसलिए मैंने सोचा एक काम करते यहाँ पे ही बना देते हैं। नेदर पोर्टल बन जाने के बाद जल्दी से मैंने अपना सारा सामान उठाया एंड सीधा भाई पोर्टल को एक्टिवेट करके मैं चला गया नेदर में। नेदर में जो अपना स्पॉन रहा भैया वो काफी ज्यादा अच्छी जगह पे रहा, बिकॉज यार सामने देखो वाइल्ड फॉरेस्ट, अरे ये वही जंगल है जहाँ पे बहुत सारे काले सांप मिलते हैं। उसके बाद गए सामने की साइड मुझे एक पिगलिन दिख रहा था, तो जल्दी से मैंने एक गोल्ड का जूता बना लिया, नहीं तो ये साले मुझे दौड़ा दौड़ा के मारेगा। फिर मैं लग जाता हूँ इन पिगलिन के साथ काफी टाइम तक ट्रेड करने। कुछ टाइम के बाद भैया मैंने अपने सारे के सारे गोल्ड इन पिगलिन को लुटा दिया, लेकिन भाई बदले में तुम लोग देख सकते हो मुझे सिर्फ कचरा ही दिया इन लोगों ने। साले चल वापिस कर मेरा गोल्ड वापिस कर। देन उसके बाद गए आते आते पता नहीं मेरा क्या चुल मचता है, मैंने काले सांप को मार दिया। अरे अरे रुक जा बस थोड़ा सा अरे और थोड़ा जा रहे चलो बहुत। अबे यार ये क्या इधर भी आ गया, साले तुझे क्या लग रहा है मेरे 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 इलाके में आके मार दोगे क्या मुझे। वैसे ये पिगलिन अचानक से ज़ॉम्बी कैसे बन गया। तो अब तक भैया जो तुम लोग गेम प्ले एंजॉय कर रहे थे वो विदाउट सेडर का था, लेकिन अभी मैंने सेडर को ऑन कर दिया है। तो तुम सबको मुझे एक चीज जरूर से बताना है कि क्या तुम लोग को सेडर के साथ अच्छा लगता है वीडियो देखने में कि सेडर के बिना अच्छा लगता है। ओके देन उसके बाद गाइस मैं जैसे एक्सपी फार्म के पास जाता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि भाई मेरे आंखों के सामने एक ज़ॉम्बी विलेजर आ जाता है यहाँ पे। तो इसलिए पहले तो मैं जल्दी से एक्सपी फार्म के ऊपर जाता हूँ और पहले तो यहाँ पे ब्लॉक लगा के एक्सपी फार्म को ब्लॉक कर देता हूँ। और फिर इस नुबड़े के लिए मुझे एक छोटा मोटा घर भी बनाना पड़ा ताकि मैं इसको यहाँ पे रख सकूँ और इसी घर के अंदर इसको ठीक भी कर सकूं।
छोटा मोटा घर बन जाने के बाद मैंने एक बोट भी बना लिया ताकि मैं इसके ऊपर इसको बिठा सकूं। और फिर गाइस मैं इस नुबड़े को आजाद कर देता हूं और भाई ये मेरे पीछे ही पड़ जाता है, लेकिन यहां पे आके बोट में बैठ जाता है। तो अभी देखा जाए भैया तो मेरे पास एक ज़ॉम्बी विलेजर तो आ चुका है, लेकिन एक ज़ॉम्बी विलेजर से जनसंख्या तो बढ़ाया नहीं जा सकता है, मुझे एक और ज़ॉम्बी विलेजर चाहिए। तो इसलिए मैं वेट करने लग जाता हूं रात होने का, और जैसी भैया रात हो जाती है वैसी मैं जल्दी से एक्सपी फार्म को फिर से चालू कर देता हूं। देन फिर यार मैं लग जाता हूं सिर्फ मॉब्स को मारने, वो भी पूरी रात। तो भैया पूरी रात ज़ॉम्बियों को मारने के बाद तुम लोग यकीन नहीं करोगे कि यहाँ से मुझे ठेंगा मिला है। अरे मतलब ज़ॉम्बी विलेजर तो नहीं मिला है बल्कि सिर्फ ज़ॉम्बी मिला है। उसके बाद यार अब तो दिन हो चुका था और दिन में ज्यादा मॉब तो स्पॉन हो नहीं रहा था, इसलिए मैंने सोचा एक काम करते हैं, जब तक रात होता है तब तक हम लोग जल्दी से एक पेड़ के लिए प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, क्योंकि भैया पेड़ काटने के लिए मुझे बार बार नीचे जाना पड़ता था और नीचे तो पता ही होगा भाई किधर से क्रीपर फट जाए कोई पता नहीं। तो इसलिए मैंने अपना हथियार लिया और सीधा चलाता हूँ जंगल के बीचों बीच पेड़ काटने। तो काफी सारा लकड़ियां तोड़ने के बाद मैं थोड़ा बहुत डीप स्लेट का स्लैब भी बना लेता हूं। देन उसके बाद सब कुछ सामान रेडी करने के बाद मैं लग जाता हूं एक प्लेटफॉर्म बनाने। तो कुछ टाइम के बाद भैया अपना प्लेटफॉर्म तो बन जाता है, साथ में यार बहुत तेज से बारिश भी हो रही थी, लेकिन मैंने जैसे तैसे करके मेरे पास जितने भी सैपलिंग थे उसको मैंने प्लांट कर देता हूँ। देन उसके अगले दिन गाइस मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ बिकॉज यार मेरा पूरा का पूरा फसल हार्वेस्ट करने और प्लांट करने में उस दिन पार हो जाता है। पर चलो कोई ना, जैसी रात हो जाती है मैं फिर से चलाता हूँ ज़ॉम्बियों को मारने, क्योंकि मेरे पास एक ज़ॉम्बी विलेजर तो पहले से आ ही चुका था, बस एक और ज़ॉम्बी विलेजर की जरूरत है। तो फाइनली यार पूरी की पूरी रात ज़ॉम्बियों को मारने के बाद आखिरकार मेरे हाथों में एक ज़ॉम्बी विलेजर लग जाता है। तो पिछली बार की तरह जल्दी से मैं एक बोट बना लेता हूँ और फिर इस ज़ॉम्बी विलेजर को आजाद कर देता हूँ, और हर बार की तरह इस बार भी मेरा पीछा करते करते ये आता है और आराम से आके बोट में बैठ जाता है। तो अब देखा जाए भैया तो मेरे पास टोटल 2 ज़ॉम्बी विलेजर आ चुका है, लेकिन यार इसको ठीक करने के लिए मुझे नेदर में जाके दवाई लाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने जल्दी से अपना सारा का सारा सामान रेडी किया एंड उसके बाद मैं सीधा चलाता हूँ नेदर में। नेदर में आने के बाद भैया मैंने काफी टाइम तक ढूंढा एंड फाइनली जाके मुझे एक फोर्ट्रेस मिल जाता है। और भाई सच बताऊं तो ये फोर्ट्रेस बहुत ही ज्यादा देखने में बड़ा लग रहा था और साथ में भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा था, पर जैसे तैसे करके भाई ब्लॉक तोड़ के मैं आ जाता हूँ फोर्ट्रेस के अंदर। एंड यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मुझे दिखता है एक चेस्ट जिसमें से मुझे उतने खास सामान तो मिले नहीं, पर चलो कोई ना, इसमें से भाई मुझे थोड़े बहुत डायमंड मिल जाते हैं। देन उसके बाद गाइस मुझे मिला बिना स्पॉनर का ब्लेज, जिसको मारने पे भाई मुझे ब्लेज रॉड तो मिल रहा था लेकिन पता नहीं इसका स्पॉनर कहाँ पे है। अच्छा, सालों ने स्पॉनर अपना छुपा के रखा है, ये देख। अरे भैया अभी बिल्कुल भी मजाक नहीं। देन उसके बाद गाइस फाइनली मुझे एक ब्लेज का स्पॉनर दिख जाता है, तो फटाफट से मैं शुरू हो जाता हूँ। तो फाइनली गाइस काफी टाइम तक इन लोगों का कुटाई करने के बाद अब तुम लोग देख सकते हो मेरे पास आ चुका था बहुत सारा ब्लेज। अबे, अरे यार साला ये लोग बात भी नहीं करने देते अच्छे से। देन फिर ये सारे सामान लेके मैं अपने घर पहुंच जाता हूँ। तो घर आने के बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ पे एक एंडरमैन है जो कि शायद से लाइक करने के लिए बोल रहा है। क्यों? हाँ अब आराम से लाइक कर दो, मार दिया उसको। देन उसके बाद भैया मैं जल्दी से लग जाता हूँ अपने ज़ॉम्बी विलेजर को ठीक करने के लिए पोशन ऑफ वीकनेस बनाने, और इसको बनाते बनाते मुझे थोड़ा बहुत सामान की भी कमी हो गई थी जिसको मैं लेके आ जाता हूँ। वैसे ज़ॉम्बी विलेजर को ठीक करने के लिए मुझे गोल्डन एप्पल की भी जरूरत पड़ने वाली थी, और एक गोल्डन एप्पल मेरे पास पहले से ही था, तो इसलिए मैंने जल्दी से एक और गोल्डन एप्पल बना लेता हूँ। और फिर सब कुछ सामान रेडी करने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने ज़ॉम्बी विलेजर को ठीक करने। तो अब देखा जाएगा इस तो उन सबका मैंने ट्रीटमेंट कर दिया है एंड उसको ठीक होने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने सोचा जब तक वो लोग ठीक होते हैं तब तक उसके लिए भाई जल्दी से एक ट्रेडिंग हॉल बना लेते हैं। तो बिना देरी किए भैया मैं जल्दी से लग जाता हूँ ट्रेडिंग हॉल के ऊपर काम करने। दिनों के बाद अपना ट्रेडिंग हॉल बनके बिल्कुल रेडी हो गया था, जो कि भाई देखने में मुझे तो अच्छा ही लग रहा था। और ये देखो इधर की साइड मैंने एक छोटा मोटा स्टोरेज भी बना दिया है ताकि मैं अपना सारा का सारा सामान यहाँ पे रख सकूं। और फिर मेरे पास जितने भी वूल पड़े थे उसका मैंने बेड बना दिया और साथ में इसको मैंने यहाँ पे लगा भी दिया। उसके बाद अपने दोनों ज़ॉम्बी विलेजर भी ठीक हो चुका था जिसको मैं इस वाले घर में लेके आ जाता हूँ, वो भी जॉब का लालच देके। तो अभी गाइस इन लोग का जनसंख्या बढ़वाने के लिए मुझे देना पड़ेगा इन लोग को ढेर सारा खाना। तो खेत से मैंने बहुत सारा गाजर को हार्वेस्ट कर दिया और फिर मैंने इन लोग को दे दिया ढेर सारा खाना। कुछ
टाइम के बाद भाई ये लोग खाना खा के शुरू हो जाते हैं और भाई अपने घर में एक बच्चा भी पैदा हो चुका था जिसके साथ थोड़ा बहुत डांस तो बनता है। तो अभी गाइस देखा जाए तो मेरे पास डायमंड का आर्मर तो कब का आ चुका है, लेकिन भाई अब तक मैंने इसको इंचेंट ही नहीं किया है। और इंचेंटिंग टेबल बनाने के लिए भाई डायमंड भी लगता है जो कि मेरे पास है ही नहीं, तो इसलिए भैया मैं सीधा चला जाता हूँ डायमंड माइनिंग करने के लिए, वो भी बाजू वाले केव में। केव के अंदर आने के बाद भाई मुझे फाइनली सामने की साइड एक डायमंड दिख रहा था, तो यहाँ पे मैं फटाक से MLG कर लेता हूँ। नीचे आने के बाद मुझे पता चलता है कि यहाँ पे सिर्फ दो ही डायमंड है। वैसे इधर की साइड मुझे आयरन बहुत ज्यादा मिल रहा था जिसको मैं माइन करने लग जाता हूँ। फिर गाइस काफी टाइम तक इधर उधर भटकने के बाद फाइनली मुझे जाके डायमंड दिख जाते हैं। फिर सारे डायमंड्स को माइन करने के बाद टोटल मेरे पास 6 डायमंड हो चुका था। इसको लेके मैं अपने घर जा ही रहा था, लेकिन भैया रास्ते में मुझे दिख जाता है कि स्पॉनर, जहाँ पे भाई बहुत सारे ज़ॉम्बी थे। और यहाँ के चेस्ट में भाई इंचेंटेड गोल्डन एप्पल तो छोड़ो भाई, सिर्फ टट्टी मिला यहाँ से। तो इसलिए ये सारे सामान को लेके मैं अपने घर की ओर निकल लेता हूँ। घर पहुँचने के बाद सारे सामान को मैंने चेस्ट में रखा। उसके बाद पहले तो मैंने एक डायमंड का सवल बना लिया जो कि मेरे पास है ही नहीं। और फिर यार मैं इंचेंटिंग टेबल बनाने जा ही रहा था, लेकिन मुझे पता चलता है कि भाई मेरे पास तो बुक ही नहीं है। और बुक बनाने के लिए भैया मुझे लेदर की जरूरत पड़ने वाली थी, एंड लेदर तो भाई गाय को मारने से मिलता है। तो इसलिए जल्दी से मैंने थोड़ा बहुत खाने का इंतजाम कर लिया, और फिर मैंने थोड़े बहुत वीट भी उगाए ताकि भाई गाय को मैं इसी का लालच दे के ला सकूं। फिर गाय सबको सामान रेडी करने के बाद मैं सीधा निकल जाता हूं जंगल के बीचों बीच गाय के तलाश में। तो भैया गाय को ढूंढ ढूंढ के मैं जंगल के बीचों बीच आ चुका हूं। ऊपर से भाई बारिश ऐसा हो रहा है कि मत पूछो तुम लोग। तो अब गाइस रात होने को आया था, और भाई तुम लोग यकीन नहीं करोगे, जहां से भाई स्टार्टिंग हुआ था वहां पे मैं आ चुका था, और भाई अभी तक मुझे एक गाय तक नहीं दिखा। तो ना चाहके भी मुझे वापिस से घर लौटना पड़ा, वैसे भी मुझे गाय तो मिला नहीं। तो जैसे गाइस मैं ट्रेडिंग हॉल के अंदर आता हूँ, तो यहाँ पे मैं आके क्या देखता हूँ कि भाई बहुत ज्यादा जनसंख्या हो चुका है। देखो तो सही कितने सारे ब्लेजर्स आ चुके हैं, और इतने सारे ब्लेजर्स आने की वजह से तुम लोग देख सकते हो अब भाई इस प्लेटफॉर्म में भाई अपना गोलम चाचा भी स्पॉन हो रहा था। देन उसके बाद गाइस मैं फिर से जाता हूँ गाय को ढूंढने, एंड भाई फाइनली काफी टाइम तक ढूंढने के बाद इस बार मुझे मिल जाता है। और इन गायों को देख के भाई मैं क्या बताऊँ, इतना ज्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था कि मैं बता नहीं सकता हूँ। पर चलो कोई ना, ये सब छोड़ो। उसके बाद गाइस मैं इन गायों को लेके बहुत ही मुश्किल से अपने बेस के नीचे लेके आ जाता हूँ, और यहाँ पे के बाद मैं इन लोगों को फीड भी करा देता हूँ जिससे एक बच्चा भी आ जाता है। वैसे इन गायों को रखने के लिए मेरे पास और कोई जगह तो था नहीं ऊपर की साइड, इसलिए मैंने यहाँ पे फेंसेस लगा के इन लोगों को रख देता हूँ। तो अभी मुझे जल्दी से ऊपर की साइड एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा ताकि मैं उन गायों को यहाँ पे लेके आ सकूँ। तो चलो फटाफट से काम में लगते हैं। तो काफी टाइम के बाद तुम लोग देख सकते हो मेरा प्लेटफॉर्म बनके बिल्कुल रेडी हो चुका था, लेकिन भैया सबसे बड़ा समस्या ये था कि उन गायों को ऊपर की साइड लेके कैसे आए। पर तुम लोग टेंशन मत लो, मैंने जैसे तैसे करके भाई ऊपर की साइड सीढ़ी लगा दिया था, ये तुम लोग देख सकते हो। वैसे जितना मैंने मुश्किल सोचा था उतना था नहीं, क्योंकि गाय आराम से ऊपर की साइड आ जाता है। और फिर गाइस उस दिन तो मेरा पूरा का पूरा फसल हार्वेस्ट और प्लांट करने में ही निकल जाता है। तो अभी गाइस देखा जाए तो इंचेंटिंग टेबल तो हम लोग बना लेंगे, लेकिन भाई पूरा इंचेंटिंग टेबल को सेटअप करने में मुझे बहुत सारे बुक शेल्फ की जरूरत पड़ने वाली थी, और अगर हम लोग इन गायों के भरोसे रहेंगे फिर तो भाई पता नहीं कितना टाइम बीत जाएगा। तो इसलिए भैया मैं सीधा चला जाता हूँ नेदर में बहुत सारे एंडरपल इकट्ठा करने, ताकि मैं जल्दी से जा सकूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड के लाइब्रेरी में। और एक बार वहाँ पे मैं पहुँच गया फिर तो भाई पूछो मत, वहाँ पे तो यूं ही इतने सारे बुक शेल्फ रहते हैं। तो नेदर में आने के बाद जल्दी से मैं लग जाता हूँ बहुत सारा एंडरपल इकट्ठा करने। तो काफी टाइम तक एंडरपल इकट्ठा करने के बाद मेरे पास बहुत सारे एंडरपल हो चुके थे, इसको लेके मैं अपने घर आ जाता हूँ। तो घर आके जल्दी से मैंने कुछ आयो फेंडर बना लिया, और सीधा भाई चला जाता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड के तलाश में। और वहाँ पे जाते जाते भाई तुम लोग एक बार नजारा देखो, क्या मजा आ रहा था पानी में तैरते हुए। फिर गाइस फाइनली जाके मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड का पोजीशन मिल जाता है, तो जल्दी से मैं नीचे की साइड खुदाई करना स्टार्ट कर देता हूँ। खुदाई करते करते आखिरकार मुझे मिल जाता है स्ट्रॉन्ग होल्ड। वैसे पता नहीं ये स्ट्रॉन्ग होल्ड साला बनाया किसने है, जिसने भी बनाया बहुत ज्यादा लापरवाही किया है। चलो छोड़ो, इसका मुझे क्या लेना देना। देन उसके बाद गाइस फाइनली जाके मुझे एक लाइब्रेरी मिल जाता है, और यहाँ पे भैया बहुत सारे स्ट्रिंग भी थे जिसको मैं कलेक्ट करने लग जाता हूँ। और यहाँ के चेस्ट में हर बार की तरह वही सामान मिलता है जो हर बार मिलता है। उसके बाद यार जिस काम के लिए मैं इतना दूर आया था उसको मैं जल्दी से कलेक्ट करने लग जाता हूँ। और थोड़ी टाइम के बाद मुझे पोर्टल भी दिख जाता है, और मेरे पास ज्यादा तो आयो फेंडर नहीं था, लेकिन जितना भी था मैंने उसको लगा दिया। एंड देखा जाए तो अभी भी 3 आयो फेंडर की कमी हो रही थी, पर चलो कोई ना, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो उसको लेके आएंगे। देन फिर यार मुझे एक और लाइब्रेरी मिला था जहाँ पे ठीक ठाक सा सामान मिला। उसके बाद ये सारे के सारे सामान लेके मैं निकल लेता हूँ अपने घर की ओर। 72 hours later. तो कुछ दिनों के बाद भैया मैं अपने बेस में आ जाता हूँ, और भाई इतना टाइम के बाद आया हूँ कि मैं क्या बताऊँ तुम लोग को। वैसे ये गोलम क्या कर रहा है? अबे कहीं मैं उतना दिन से बाहर था और ये
चलो छोड़ो। उसके बाद यार मैंने अपने सारे के सारे सामान को चेस्ट में रखा, देन फिर जल्दी से मैंने एक इंचेंटिंग टेबल बना लिया एंड उसके बाद मैंने बहुत सारे बुक सेल्फ भी बना लिया। और मेरे पास और कोई जगह तो था नहीं, इसलिए मैंने अपने इंचेंटिंग टेबल को यहाँ पे ही सेटअप कर दिया। तो फाइनली गाइज अब टाइम आ चुका था अपने सारे के सारे आर्मर को इंचेंट करने का। तो फटाफट से मैं लग जाता हूँ अपने सारे के सारे आर्मर को इंचेंट करने। तो अब हो चुका था गाइज मैं बहुत ज्यादा पावरफुल, इतना पावरफुल कि मैं उस काले कौवे को यूं हरा सकता हूँ। लेकिन यार उस काले कौवे को मारने जाने से पहले मुझे एक काम करना पड़ेगा, वो भी एक छोटा सा काम। और वो काम ये है कि मुझे अपने पूरे प्लेटफॉर्म को डेकोरेट करना है, क्योंकि भाई तुम लोग देख सकते हो प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा खाली खाली लग रहा था। तो सबसे पहले भैया मैंने अपने पिकैक्स में मेंडिंग लगा लिया ताकि ये कभी टूटे ना। देन उसके बाद मैंने अपने सारे ब्लेजर्स को जॉब देता हूँ, वो भी किसान बनाता हूँ सबको, ताकि ये हमें बहुत सारे आलू और गाजर के बदले एमराल्ड दे सके। और फिर मैं इन लोगों के साथ काफी टाइम तक किया एंड मेरे पास बहुत सारे एमराल्ड भी आ चुके थे। उसके बाद मैंने एक और बंदे को लाइब्रेरियन बनाया ताकि वो हमें सिल्क टच वाला बुक दे सके। लेकिन भैया काफी टाइम तक लेक्टन को लगाने और तोड़ने के बाद इसने मुझे सिल्क टच वाला बुक तो नहीं दिया, ऊपर से भाई मेंडिंग वाला बुक दे दिया। पर चलो कोई ना, उसके बाद मैंने एक और बंदे को लाइब्रेरियन का जॉब दिया एंड फाइनली जाके इसने मुझे सिल्क टच वाला बुक दे दिया। देन उसके बाद जल्दी से मैंने फटाफट से वो सिल्क टच वाला बुक अपने पिकैक्स में लगा लेता हूँ। तो भैया अब तुम लोग देख सकते हो मेरे पास सिल्क टच वाला पिकैक्स होने की वजह से जब मैं ग्रास ब्लॉक को माइन कर रहा हूँ तो मुझे डर्ट नहीं मिल रहा है, बल्कि ग्रास ब्लॉक ही मिल रहा है। थोड़े बहुत ग्रास ब्लॉक मैंने अपने एनिमल वाले फार्म में लगा दिया ताकि भाई टाइम के साथ साथ ये पूरा का पूरा डर्ट बिल्कुल ग्रास ब्लॉक में बदल जाए। और फिर गाइस मैंने अपना प्लेटफॉर्म का डेकोरेशन के लिए मैं चला गया नेदर में एंड यहाँ पे आने के बाद मैंने बहुत सारी ये वाला मिट्टी इकट्ठा किया। देन काफी टाइम तक मजदूरी करने के बाद अब तुम लोग देख सकते हो मेरे पास आ चुका था बहुत सारा सामान। तो इसको लेके मैं अपने ओवरवर्ल्ड आ जाता हूँ। तो चलो गाइस अब टाइम है भाई अपने पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को डेकोरेट करने का। तुम लोग आराम से एंजॉय करो, देन उसके बाद हम लोग सीधे चलेंगे उस काले कौवे को मारने। फाइनली यार कुछ दिनों के बाद तुम लोग देख सकते हो अपना पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म डेकोरेट हो जाता है। और इस वाले प्लेटफॉर्म में मैंने अभी के लिए ये वाला नेदर पोर्टल यहाँ पे आके बना दिया, लेकिन आगे चल के हम लोग एक मॉन्स्टर नेदर पोर्टल बनाने वाले हैं। तो चलो अब टाइम है भाई उस काले कौवे को मारने की। लेकिन तुम लोग को याद होगा कि स्ट्रॉन्ग होल्ड में अभी भी 3 आयो फेंडर की कमी हो रही थी, तो इसलिए मैं नेदर में जाके बहुत सारे काले सांपों को मारता हूँ एंड फाइनली यहाँ से मुझे 3 एंडर पर्ल मिल जाते हैं। तो फिर उसका मैं बना लेता हूँ आयो फेंडर और सीधा निकल जाता हूँ उस काले कौवे को मारने। लेकिन भैया पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ पे था, मैं फिर से भाई मरते मरते बचाऊं। उसके बाद यार मैं काफी टाइम के बाद फिर से स्ट्रॉन्ग होल्ड में एंट्री मार देता हूँ एंड यहाँ पे आने के बाद भैया जल्दी से मैंने पोर्टल को एक्टिवेट किया और फिर मैं चला जाता हूँ सीधे एंड में। और भाई यहाँ पे आने के बाद लिटरली मेरा स्पॉन देखो यार, अच्छा हुआ मैं यहाँ पे कुछ वुड लेके आया था। देन उसके बाद यार यहाँ पे आने के बाद क्या करना होता है वो तो बताने की जरूरत है नहीं। तो सारे क्रिस्टल को फोड़ने के बाद मैं सीधा हमला कर देता हूँ इस काले कौवे के ऊपर। तो ये लो इसी के साथ गाइस मैंने इस काले कौवे, अबे यार, अरे रे रे रे, अबे यार कम से कम इसका मौत का तमाशा तो देखने दे। ये लो साले ने पूरा का पूरा मजा खराब कर दिया मेरा। फिर यार यहाँ से सारा का सारा इसका हड्डी पसली लूटने के बाद जल्दी से मैं अंडा को भी कलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं सीधा चला जाता हूँ एक इलाइट्रा के तलाश में एंड सिटी में। तो फाइनली काफी टाइम के ढूंढने के बाद आखिरकार मुझे एक एंड सिटी दिख जाता है। यहाँ पे आने के बाद जल्दी से मैं हवे में एंडर पल को थ्रो कर देता हूँ एंड यहाँ पे मुझे दो चेस्ट दिखते हैं जिसमें से उतने खास सामान तो मिले नहीं। पर चलो कोई ना, मुझे दोबारा से दो चेस्ट मिलते हैं एंड भाई यहाँ पे मुझे डायमंड मिल जाते हैं एंड साथ में गाइस यहाँ पे लूटिंग 2 वाला शॉट भी था जो कि हम लोग को आगे चल के बहुत ज्यादा काम आने वाला था, इसलिए मैं इसको ले लेता हूँ। और फिर पता नहीं ऐसे कारनामे में क्यों कर देता हूँ। सिप के अंदर आने के बाद जल्दी से मैं इस डब्बे को मारता हूँ एंड यहाँ पे मुझे थोड़े बहुत लूट तो मिलते हैं, लेकिन यार साथ में यहाँ पे मुझे इलाइट्रा मिल जाता है। उसके बाद जल्दी से मैंने ड्रैगन का हेड लिया एंड यहाँ से भाई सीधा निकल लेता हूँ। एंड घर जाने से पहले मैंने यहाँ से बहुत सारे एंड के स्टोन भी कलेक्ट कर लिए क्योंकि आगे चल के मुझे अपने ओवरवर्ल्ड में ये कोरस वाले फ्लावर भी लगाने थे। तो काफी टाइम के मजदूरी के बाद तुम लोग देख सकते हो मेरे पास आ चुका था बहुत ज्यादा सामान और भाई मेरा पूरा इन्वेंटरी फुल हो चुका था, तो इसलिए मैं यहाँ से सीधा निकल लेता हूँ अपने घर के लिए। और फिर गाइस एंडर ड्रैगन के इलाके में आने के बाद
मैं एक चीज भूल जाता हूँ कि मुझे एक बड़ा सा नेदर पोर्टल भी बनाना था जिसके लिए मुझे बहुत सारे ऑब्सीडियंस चाहिए थे। तो इसलिए मैंने यहाँ से ले लिए बहुत सारे ऑब्सीडियंस। और फिर यार मैं आ जाता हूँ अपने घर। घर आके भैया जल्दी से मैंने अपने सारे के सारे इन्वेंटरी को खाली किया और फिर इलाइट्रा से उड़ने के लिए मैंने कुछ रॉकेट भी बना लिए। देन उसके बाद मैंने बिना देरी किए जल्दी से चला जाता हूँ नेदर में, क्योंकि अब मुझे अपने सारे के सारे डायमंड आर्मर को अपग्रेड करना था नेदरराइट में। तो कुछ टाइम के बाद मुझे एक बैस्टियन दिख जाता है जहाँ से मुझे नेदरराइट भी मिल सकता है एंड साथ में स्मिथिंग टेम्पलेट भी। लेकिन यार सबसे ज्यादा मुझे डर भाई बैस्टियन में ही लगता है, क्योंकि भाई इधर पिगलिन ब्रूट भी होते हैं। फिर गाइस मैं बैस्टियन के अंदर आने के बाद जल्दी से लूटपाट चालू कर देता हूँ, तुम लोग बस लूट देखो। उसके बाद यार बैस्टियन के मेन वाले चेस्ट में मुझे मिल जाते हैं भाई दो दो नेदरराइट के इनगट, साथ में भाई स्मिथिंग टेम्पलेट भी। और इससे ज्यादा खुशी की बात भैया क्या हो सकती है। और फिर गाइस यहां से मैंने बहुत सारे गोल्ड के ब्लॉक भी ले लिए, क्योंकि आगे चल के मुझे एक बीकन भी बनाना है। तो भैया इस बैस्टियन को मैंने पूरा का पूरा चट कर दिया था, इसलिए मैं एक दूसरे बैस्टियन के तलाश में निकल लेता हूं। और फिर कुछ टाइम के बाद मैं एक दूसरे बैस्टियन में भी पहुंच जाता हूं। चलो आ जाओ यहां पे भी लूटपाट चालू करते हैं। वैसे एक बार इधर भी नजर डाल लो भाई, अगर बाय चांस मैं यहाँ पे गिर गया ना फिर तो पता नहीं क्या सीन होगा। सालों तुम लोग ऐसे ही मरो यहाँ पे। देन उसके बाद गाइस अब मेरे पास आ चुका था बहुत ज्यादा सामान, तो इसको लेके मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। घर पहुँचने के बाद जल्दी से मैंने अपना इन्वेंटरी खाली किया एंड उसके बाद मैंने डेब्रिस को स्मेल्ट होने के लिए रख दिया। फिर सारे डेब्रिस स्मेल्ट हो जाने के बाद जल्दी से मैंने अपने सारे के सारे डायमंड आर्मर को अपग्रेड कर लिया, वो भी नेदरराइट में। एंड साथ में मेरे पास कुछ आर्मर ट्रिम भी पड़े थे जिसको मैंने अपने नेदरराइट वाले आर्मर में लगा लेता हूँ। तो ये लो मेरा एक और सपना पूरा हो जाता है, जो कि था भाई नेदरराइट का आर्मर, जो कि भाई देखने में क्या तगड़ा लग रहा है ये। देन उसके बाद गाइस मैं लेता हूँ बहुत सारे ऑब्सीडियंस एंड सीधा लग जाता हूँ भाई नेदर पोर्टल को बनाने। तो कुछ दिनों के बाद भैया मेरा नेदर पोर्टल बन जाता है, साथ में मैंने यहाँ पे एक और प्लेटफॉर्म बना दिया था ताकि भाई यहाँ पे आगे चल के मैं एक मैक्स आउट बीकन भी सेट कर सकूं। तो चलो देखा जाए तो अब मेरे पास सिर्फ लास्ट वाला टारगेट बचा है, जो कि भाई है विदर को मार के एक मैक्स आउट बीकन बनाना। तो इसलिए पहले मैंने जल्दी से अपने इलाइट्रा में मेंडिंग लगा लेता हूं, ताकि भाई ये कभी टूटे ना। और इसको रिपेयर करने के लिए मैंने ब्लेजर्स के साथ कुछ टाइम तक ट्रेडिंग कर लिया। देन सब कुछ सामान रेडी करने के बाद एंड से मुझे जो लूटिंग 2 वाला शॉट मिला था उसको लेके मैं सीधा चला जाता हूं नेदर में। और काफी टाइम ढूंढने के बाद मुझे एक ऐसा फोर्ट्रेस दिख गया था जहाँ पे भाई लिटरली बहुत सारे विदर स्केलेटन स्पॉन हो रहे थे। फिर नीचे जाने के बाद मैं लग जाता हूँ इन लोगों का कुटाई करने। अब चलो देखते हैं कब तक हमें 3 स्कल मिलता है। और ये देखो भाई इसी का बात कर रहा था, देखो तो सही कितने सारे स्केलेटन स्पॉन हो रहे हैं इधर। तो काफी टाइम मजदूरी के बाद तुम लोग देख सकते हो मेरे पास आ चुका था टोटल 3 स्कल, जिसको लेके भाई मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। घर पहुँचने के बाद गए जल्दी से मैंने विदर को मारने के लिए फटाफट से अपने सॉर्ड को इंचेंट कर लेता हूँ। तो अपने सॉर्ड में अच्छा इंचेंटमेंट तो मुझे मिल ही गया था, साथ में भाई बो में मुझे इन्फिनिटी मिल जाता है, मतलब यार अनलिमिटेड एरो में चला सकता हूँ अब। तो सब कुछ सामान रेडी करने के बाद भैया मैं लग जाता हूँ एक लोकेशन ढूंढने जहाँ पे हम लोग विदर को हराने वाले हैं। फाइनली मुझे दिख जाता है एक बढ़िया सा लोकेशन। चलो देखते हैं भाई पहली बार मैं अपने ओवरवर्ल्ड में मारने जा रहा हूँ विदर को। तो यहाँ पे भैया मैं कर देता हूँ विदर को स्पॉन, तुम लोग आराम से फाइट एंजॉय करो। भाई 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 पहली बार मुझे विदर से डर लगा है, क्योंकि भाई मुझे डर इस बात की हो रही थी कि कहीं मेरा आर्मर ना तोड़ दे ये साला। पर चलो कोई ना, यहाँ से मुझे मिल जाते नेदर स्टार, जिसको लेके मैं अपने घर चला जाता हूँ। घर जाके मैं एक बीकन तो बना लेता हूँ, लेकिन यार इसको सेटअप करने के लिए मेरे पास यार उतने सारे आयरन तो है नहीं, और साथ में भैया मेरे पास उतने सारे एमराल्ड भी नहीं है जिसकी मदद से मैं एक मैक्स आउट बीकन बना सकता हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा एक काम करते हैं, अब तक तो भाई हमारा अपने रहने के लिए कोई घर भी नहीं है, तो सबसे पहले तो हम लोग एक घर बना लेते हैं। और जब तक हम लोग घर बनाएंगे तब तक भाई मैं ब्लेजर्स के साथ ट्रेडिंग भी करता रहूंगा, और इससे जब तक भैया अपना घर बनके रेडी होगा तब तक हमारे पास बहुत सारे एमराल्ड हो जाएंगे। तो इसलिए मैं फटाफट से लग जाता हूँ अपने घर बनाने, तुम लोग आराम से एंजॉय करो। फाइनली
फाइनली कुछ दिनों के बाद अपना घर बन के बिल्कुल रेडी हो गया था। वैसे घर के साइड में मैंने जंगल का लॉग लगाया था, लेकिन यार मेरे पास एक ट्रेडर आया था जो कि मुझे चेरी का सैपलिंग दे दिया था, तो इसलिए मैंने चेरी का ट्री वाला लकड़ियां चारों तरफ लगा देता हूँ, जो कि देखने में और ज्यादा अच्छा लग रहा था। और चेरी के ट्री लगाने के लिए और मेरे पास कोई जगह तो था नहीं, इसलिए मैंने इसको यहीं पे अभी के लिए लगा दिया। तो जब तक मैं घर बना रहा था, साथ में मैंने ब्लेजर्स के साथ ट्रेडिंग भी किया, और तुम लोग देख सकते हो अभी भी भाई मेरे पास उतने सारे एमरल्ड इकट्ठा ही नहीं हुआ है। और देखा जाए तो इतने एमरल्ड में तो भैया बीकन का आधा भी नहीं बनेगा। तो इसलिए फटाफट से मैंने अपने पिकेक्स को इंचेंट किया, और तुम लोग यकीन नहीं करोगे भाई, यहाँ से मुझे फॉर्चून 3 मिल गया। तो जल्दी से गाइस एक मैक्स आउट बीकन बनाने के लिए अभी मुझे माइन करना पड़ेगा बहुत सारा आयरन। तो इसलिए मैं निकल जाता हूँ एक बढ़िया सा केव में, जहाँ से मुझे मिल सकते हैं बहुत सारे आयरन। केव के अंदर आने के बाद तुम लोग देख सकते हो भाई यहाँ पे कितने सारे आयरन है, चलो फटाफट से माइन करते हैं। भाई काफी टाइम आयरन माइनिंग करने के बाद भाई मेरे पास इतने सारे आयरन हो चुका था कि भाई मेरा इन्वेंटरी पूरा फुल हो गया। वैसे मेरा पिकेक्स ज्यादा डैमेज इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि इसमें अनब्रेकिंग 3 भी लगा हुआ था। फिर गाइस मैं सारे आयरन को लेके अपने घर आ जाता हूँ, एंड घर आने के बाद जल्दी से मैंने अपने सारे के सारे आयरन को स्मेल्ट होने के लिए दे दिया, वो भी बहुत सारे फर्नेस में। 72 hours later. तो काफी टाइम के बाद अपना सारा का सारा आयरन स्मेल्ट हो गया था। फिर गए जल्दी से मैंने सारे आयरन का ब्लॉक बना लेता हूँ। तो अभी मेरे पास देखा जाए तो टोटल 2 स्टैक ब्लॉक हो चुके थे, वो भी आयरन ब्लॉक के। तो जल्दी से मैंने उस वाले प्लेटफॉर्म में चेरी का ट्री हटा देता हूँ, एंड फटाफट से एक बीकन बनाने लग जाता हूँ। कुछ टाइम के बाद अपना बीकन सेटअप हो जाता है, एंड तुम लोग देख सकते हो भाई क्या जबरदस्त लग रहा है। वैसे प्लेटफॉर्म के साइड में मैंने कोरस फ्रूट लगा दिया ताकि देखने में ये और अच्छा लगे। तो होते हैं भैया इसी के साथ अपने 100 डे कम्प्लीट, एंड उम्मीद करूंगा गाइस आज का वीडियो तुम लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। वैसे हर बार की तरह इस बार भी तुम लोग एक चीज मुझे जरूर से बताना कि तुम लोग टोटल 10 में से कितना नंबर देना चाहते हो पूरे बेस को। बाय द वे यार जिसने अब तक लाइक नहीं किया है वो प्लीज लाइक कर देना, एंड हाँ सब्सक्राइब करके घंटा भी दबा देना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। वैसे नेक्स्ट वीडियो तुम लोग क्या देखना पसंद करोगे वो भी तुम लोग बता सकते हो। तो चलो गाइस मिलते हैं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके तब तक के लिए सबको बाय बाय, लव यू ऑल।